करे 5000 वर्ष को पूर्व भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रजभान के घर राधा रानी ने जन्म लिया था। तभी से परंपरागत भायो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूरे ब्रज में ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें बरसाने की तो यहाँ बरसाना में बड़े ही भक्ति भाव के साथ देखने को मिलता है। ऐसे एक नजारा आज बरसाना में देखने को मिला जहां प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह पर्व मनाया गया। यहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी ही भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाया। वहीं बरसाना में चारों ओर भक्ति रूपी रस बरसता हुआ नजर आया। वहीं श्रद्धालुओं ढोल की तान पर अपने आप को भक्ति रूप में रस में डुबोने से नहीं रोक पाए। वहीं भक्त भी भक्ति में सरोवर हो गए, नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा श्री लाडली जी के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर की सजावट सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रही थी, जिसको देखकर लग रहा था कि मानो ब्रज में एक बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा हो। बड़ी रात्रि में श्रद्धालुओं के द्वारा नृत्य एवं गायन का लाभ भी उठाया गया। सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पंचमृत एवं ब्रज की औषधियां एवं जड़ी बूटियों से राधा रानी का अभिषेक कराया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वह लोग ब्रज में आकर राधा रानी महोत्सव का लाभ उठाते हैं एवं भक्ति रूपी अमृत में इस तरह से सरोवर और हो जाते हैं कि वह अपने शुद्ध बुद्ध को भी भूल जाते हैं। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने राधा रानी के भजन की प्रस्तुति की। कोमल, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई हूँ मैं। आप यहाँ पहली बार आई हैं या पहले नहीं? बहुत बार आ चुकी, 10-15 बार आ चुकी। तो आप यहाँ आती हैं तो यहाँ पे क्या अनुभव आप फील करती हैं राधा रानी महोत्सव में? हम राधा रानी का जन्मदिन को उस समय लोगों को खुश बधाई देना चाहते हैं और खुश होके आते हैं मन से। तो आप यहाँ अपने मंडली के साथ आई हैं? हाँ, ग्रुप के साथ है, सब ग्रुप है मेरा। तो यहाँ पे कैसा अनुभव? बहुत आनंद आता है और मैं हर बार यहाँ आना चाहती हूँ। तो जैसा कि बाकी जगह पे वहाँ पे और यहाँ पे वहाँ से ज्यादा आनंद यहाँ आता है। यह हमारी राधा रानी का घर है और हम यहाँ आना चाहते हैं हर बार। राधे राधे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अरोड़ा। कहाँ से आए आप? मैं नाभा पंजाब से। ये पहली बार आए राधा रानी महोत्सव पर या इससे पहले? मैं 2010 से आ रहा हूँ और 2014 से एवरी मंथ आता हूँ। तो आपको कैसा यहाँ पे फील होता है? बट श्री जी की कृपा है, अपार कृपा है, आनंद बरस रहा है। 2 साल से मतलब प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। 2 साल से पहले तो मतलब धक्का की बहुत होती थी, अब 2 साल से व्यवस्था अच्छी है और श्री जी के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, खूब होते हैं, आनंद बरस रहा है बस। ज्योति ज्योति जी, जैसे आप यहाँ पे आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं संगरूर पंजाब। पंजाब से आई हैं? हाँ जी। तो आपको यहाँ कैसा फील होता है? मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, बस मुझे ऐसे है कि मेरी लाडो ने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरा दिल ये कर रहा है मैं घर भी ना जाऊँ, यहीं पे ही रह जाऊँ। तो ब्रज वास आपको बहुत अच्छा लगता है? श्री जी कृपा करें और मुझे मिल जाए। आपका मीनाक्षी नीलमणि।
कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब से आई हैं, तो आप यहाँ पहली बार आई हैं? इससे पहले नहीं, भी आई नहीं, हमें तो 13 साल हो गए। 13 साल से। तो आपको ऐसा क्या अद्भुत लगता है राधा रानी के चरणों में जो आपको खींच लेता है यहाँ पर? जो श्री जी के चरणों में और कहीं भी नहीं है, कहीं भी पूरी दुनिया में घूम लो पर जो यहाँ विश्राम है यहीं पर ही। तो और भी तीर्थ यात्रा आपने की होंगी वहाँ पर, और यहाँ पर क्या अंतर है? और तो अभी याद ही नहीं है जितनी यात्रा की है, जहाँ भी जाते हैं इनकी याद आती है, इन्होंने बस पकड़ रखा है पूरी तरह। क्या नाम है आपका? मनमोहिनी दासी। कहाँ की रहने वाली है? हाँ, मुंबई से आए। ये यहाँ पे जो राधा रानी महोत्सव है इसमें आप पहली बार आई हैं? इससे पहले भी आई हैं? नहीं, इस बार यहाँ पे पहली बार आई हूँ, वरना मैं राधा कुंड में होती हूँ। राधा कुंड जी। जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है, सखी साथ में है, झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा कि देखा जा रहा है कि आप पहली बार आई हैं और पहले आप राधा कुंड में मनाती थी, यहाँ और राधा कुंड में क्या अंतर देखने को मिला? यहाँ पे ज़्यादा मतलब भव्य तरीके से होता है, वहाँ तो होता है विधि के हिसाब से, लेकिन यहाँ जैसे नाच गायन सब कुछ होता है, मतलब सजना धजना और भी ज़्यादा होता है, इतने सारे भक्त तो सुंदर सुंदर तरीके से जैसे होके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको। अच्छा, प्रशासन द्वारा यहाँ व्यवस्था कैसी रखी गई है? क्षमा करना फिर से बोला? प्रशासन के द्वारा यहाँ व्यवस्था कैसी रखी गई है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा नाम है कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा जी, हम यहाँ पहली बार आई हैं या पहले भी आई हैं? नहीं, मैं अक्सर आती हूँ, ऐसे टाइम पे होली पे भी आती हूँ, राधा अष्टमी पे भी आती हूँ, मेरा बहुत मन लगता है, बहुत भाव है मुझे राधा रानी के प्रति। आज जैसा कि यहाँ पे राधा अष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी लोग बड़े धूम के साथ नाच रहे गा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है, दिल को इतना सुकून मिलता है बरसाना आने के बाद में, राधा रानी के दर्शन करने के बाद में एक तरह से जिंदगी बिल्कुल सफल हो गई हो मेरी, बहुत प्यारा लगता है यहाँ बरसाने में आके, इतनी खुशियाँ बन रही हैं बरसाने के अंदर, नाचना कूदना गाना, सखियाँ आई हुई हैं बाहर की, मैं वृंदावन से आई हुई हूँ, मैं वृंदावन वाली हूँ, आई हूँ मैं यहाँ पे घूमने के लिए, सब सखियाँ आती हैं, सब जुड़ते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी का टाइम, बहुत खुशी का माहौल है यहाँ, बनाए रखे खूब खुशियाँ बनी रहे, मेरे बरसाने के जजमान की, मेरे बरसाने का जजमान खूब फल है फूल है। सुन बात मेरी, घर घर घर, तू घर से निकल, निकलना जरा, सामने हो खड़ा, घर से नजर मिला, अब बता ये है क्या तेरा, या किराएदार तू, कभी अरमान नहीं आया के बने लैंडलॉर्ड तू, पर ऐसा नहीं है बॉस के घर ना मिले, चाहे खुली हो या फ्लैट, जो चाहिए तू ले ले। IIFL होम लोन लाए हैं 30 लाख तक के, इजी होम लोन सिर्फ 30 मिनट में, आसान डिजिटल प्रोसेस और कोई हिडन चार्जेस नहीं। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे ये ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, ओटी, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, मथुरा। दूरभाष 7009908050583007007007। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा, मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम। हमारे यहां सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहां सभी प्रकार की ईयर लीड चार्जर स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।